सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं कि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड जो है अभी पेमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि हमारे पॉइंट्स विड्रॉल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, फेस कैम वीडियो। बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से अर्निंग करनी है तो। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड जो है एक बहुत ही अच्छा अर्निंग का एप्लीकेशन था, उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा अर्निंग करी थी हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लाता रहता हूँ अर्निंग्स रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबका यही है कि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड जो है अब पेमेंट देगा या नहीं देगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी जो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड है उसका पेमेंट का जो स्टेटस है वो वेरीफाई नहीं है, या पेमेंट देगा एप्लीकेशन या नहीं देगा। क्योंकि मैं भी अभी बहुत टाइम बाद माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को जो है ट्राई कर रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड जो है पेमेंट देगा या नहीं देगा। अभी मेरी आईडी अभी माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड में चल रही है, मैंने अपनी एक आईडी बनाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड में, और देखते हैं कि पेमेंट हमें मिलता है या नहीं मिलता है। अभी मेरा कुछ दिन पहले एक और अकाउंट डिलीट हो गया था, वो परमानेंट एक्चुअली मेरी गलती की वजह से डिलीट हुआ था। उसमें कोई माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड का कोई भी जो है हाथ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड की तरफ से कोई भी डिलीट अकाउंट मेरा नहीं हुआ है, मेरी तरफ से मेरा अकाउंट जो है डिलीट हो गया था गलती से। तो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड का जो अकाउंट मैंने अब न्यू बनाया उसमें अभी मेरे कुछ ही पॉइंट हुए हैं, 3-4 दिन हुए हैं अकाउंट को बनाए हुए, लेकिन अभी जो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड है वो बहुत ही कम पॉइंट्स दे रहा है पहले की तुलना में। पहले बहुत सारे पॉइंट्स देता था हमें, एक दिन में हम 400 लगभग पॉइंट जो है अर्न कर लेते थे माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड में। और पहले क्या था कि हम माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड में मल्टीपल अकाउंट जो है एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के अंदर मल्टीपल अकाउंट जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से अर्निंग करनी है तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट उसमें लॉग इन करके रखना होगा, और सारे अकाउंट्स को वहाँ से डिलीट कर देना है, और अपना मोबाइल नंबर भी उसमें न्यू लगाना होगा माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के अकाउंट में अगर आपको करनी है तो। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम वहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरी एक वीडियो में, मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया था ऑटोमेटिक सर्च का, जिसमें हम ऑटोमेटिक सर्च पे लगा के छोड़ देते थे और सारा काम हमारा हो जाता था कुछ ही मिनटों में। तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमें जेन्युइन तरीके से यहाँ पे काम करना होगा माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड में अगर हमें अर्निंग करनी है तो। तो जो भी हमारे जो एक्स्ट्रा तरीके थे अर्निंग करने के, जो भी मेथड थे, वो हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो भी माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अपडेट्स लेके आया है वो सारी अपडेट्स जो है वो बेकार हैं, क्योंकि हमारे किसी काम की है नहीं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से जो हमें अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी वो अब हमारी बंद हो चुकी है, अब सिर्फ हम यहाँ पर एक ही अकाउंट चला पाएंगे। तो आई होप आपकी समझ में आ गया।